नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मोर्चा पर। मैं हूं आपके साथ अमित ढंडा। दोस्तों, आज का जो मुद्दा हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपको देखना भी चाहिए और उसको आपको समझना भी चाहिए। आज का जो मुद्दा है वो टीचर से रिलेटेड है, स्टूडेंट से भी रिलेटेड है और जो जींद की यूनिवर्सिटी है उससे भी रिलेटेड है। आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रोफेसर्स को या नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें उनको या आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है उनको एक ही मंच पे आना पड़ा? क्यों उन्होंने जो एचपीएससी है या एचएसएससी है या हरियाणा सरकार है उसके खिलाफ हल्ला बोलना पड़ा? क्या है पूरा मामला? क्या ऐसे में जो यूनिवर्सिटी है वो चल पाएगी? क्या ऐसे में जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता? क्या ऐसे में जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में नहीं पड़ता? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक जो लापरवाही है जो एचपीएससी की, जो एचएसएससी की, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्होंने बड़ा आरोप एचपीएससी और एचएसएससी पर लगा है? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में संपूर्ण टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा एचपीएससी के खिलाफ विश्वविद्यालय में भर्तियों को लेकर धरना दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, आउटसोर्सिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे। हम जहां रहते हैं उस एटमॉस्फेयर को पालन करते हैं, वहां के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपनी स्वायत्तता को, हमारी जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर काम करना चाहते हैं। और स्वायत्तता को ये कह के अगर कोई सरकार ये कहे कि वहाँ पर विश्वसनीयता नहीं है, तो विश्वसनीयता नहीं है तो वो विश्वसनीयता की खोज करे, क्योंकि जो अपेक्स बॉडी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, उसका सिलेक्शन वहीं से होके आता है। एक ही मांग है कि यूनिवर्सिटी का जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहे। जो अभी ये अभी जो गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया है कि बाई टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो भर्तियाँ हैं वो एचपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा, हम उसके बिल्कुल पूर्ण रूप से उसके खिलाफ हैं। जो और हम हरियाणा की जो बाकी टीचिंग और नॉन टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो एसोसिएशन है, हम पूर्ण रूप से हम उनका सहयोग करें। हरियाणा विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने 26 नवंबर को सभी विश्वविद्यालयों में मास अवकाश करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। ये निर्णय एचपीएससी के खिलाफ धरने के रूप में लिया गया है। कल के लिए सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई है, जिसको हम मास कैजुअल लीव्स बोलते हैं। सारे कर्मचारी विश्वविद्यालय के ने सभी ने निर्णय लिया है कि कल सारे के सारे सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक ये हम इंश्योर ना कर लें कि ये विश्वविद्यालय स्वायत्त रहे। इस मौके पर प्रोफेसर एस के सिन्हा, डॉक्टर जसवीर सूरा, डॉक्टर कुलदीप अनारा, डॉक्टर आनंद मलिक, डॉक्टर सुनील फोगाट, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर भावना, डॉक्टर मंजू सुहाग आदि मौजूद रहे। दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ये सही है या गलत? जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है या जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी है, क्या वो अपनी जगह पे सही है? क्या सरकार इस मामले में गलत है? तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और नई ताजा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा और द मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।